और हसनैन की शादी से जुड़े बवाल की खबर। हिंदूवादी संगठन अब अंकिता की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ कर रहे हैं। इसके अलावा बात होगी एमपी में ड्रग्स पर एक्शन की, साथ ही बात होगी उपचुनाव की जहां पर बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि कहां पर सुसाइड के बाद भारी बवाल हुआ है और बात होगी शिक्षकों की हड़ताल की। तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबर के साथ, बलरामपुर का जिक्र करते हैं। थाने में सुसाइड के बाद बवाल हुआ है, गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों का थाने में हंगामा देखने को मिला है। थाने में पथराव, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया। आपको बता दें कोतवाली थाने में युवक ने फांसी लगाई थी, स्वास्थ्य विभाग के एनएचएम में कर्मचारी था युवक। ये तस्वीरें हैं आपके सामने, देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें बलरामपुर से इस वक्त आप, जहां पर युवक ने फांसी लगाई थाने में, जिसके बाद हंगामा देखने को मिल रहा है। दरअसल कई दिनों से वो थाने के चक्कर काट रहा था, शिकायत लेके पत्नी की पहुंच रहा था, पत्नी को ढूंढने की बात बार बार कर रहा था और उसके बाद अचानक से फांसी युवक के द्वारा थाने में लगा ली गई, जिसके बाद हंगामा खूब देखने को मिला। ये तस्वीरें आपके सामने, थाने पर पहुंच गए लोग, हंगामा करने लगे, गाड़ियों में तोड़फोड़ उनके द्वारा की गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दो तस्वीरें आपके सामने एक्सक्लूसिव तस्वीरें। कोतवाली थाने में युवक ने फांसी लगाई, जिसके बाद हंगामा देखा गया। हम लोग का बंद करके रखे हैं, मारे हैं पीआई साहब और एसपी साहब, ज्यादा मारे हैं पीआई साहब और एसपी साहब मारे हैं ज्यादा करके। और है असीम, आपको क्यों ले आए थे भाई लोग? भी और एक लड़का बहु गुम हो गया, तो हम लोग लेकर आए थे। लेकिन के बाद मेरा एक बार उठा के लाया 15 दिन पहले, उन लोग जो है मेरा बहुत मारपीट किया। फिर हम लोग का बुला है, बुलाने का बाद काल ऐसे मारपीट मेरा किया ना, बेटा का भी ऐसे मारे, बहुत मारे। फिर आज मेरा नातिन सुजल है, तो 17 साल का, बोल रहा है कि तो नातिन को आज पिसाई देंगे। ये सुन के मेरा बेटा, एक महिला थी जो गुम हो गई थी, जिसकी पुलिस थाने में जांच हो रही थी गुम इंसान के रूप में, और वो महिला मिल नहीं रही थी। उसी के संदर्भ में उसका पति आया हुआ था, उसका ससुर भी था, बाकी एक आध लोग और थे। और उसका पति अभी दोपहर में जो है गमछा लिया था, बाथरूम करने गया थाने में, अपने जवान लोग बाहर थे और वो जो है ऊपर लगा के सिटकनी में फांसी लगा के आत्महत्या किया है। और उसके साथ कोई मारपीट नहीं हुई है। और इस पूरे घटनाक्रम में अपने पुलिस के जवान, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सूरज गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, अब तक कुछ सामने आ पाया कि आखिर क्या कारण रहा, ऐसा क्या हुआ कि वो थाने पहुंचा और सिर्फ अपनी जान देनी पड़ गई? मैं आपको बता दूं कि आज एक जो एनएचएम में पदस्थ प्यून के मौत के बाद एक पूरा मामला हुआ है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि उसकी जो पत्नी थी 29 सितंबर से लापता थी, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। उसी संदर्भ में पुलिस के द्वारा उसकी मृतक से और उसके पिता से पूछताछ की जा रही थी और उसे बुलाया गया था, जहां उसने आज थाने के अंदर ही शौचालय में बाथरूम में जाकर गमछे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। और पूरे मामले के बाद लगातार काफी बवाल देखने को मिला, परिजन और डॉक्टरों ने काफी, स्वास्थ्य विभाग की जो टीम थी इसमें काफी उन्होंने हंगामा किया। वहीं महिला के परिजन, अरे सॉरी मृतक के परिजन के महिलाओं के द्वारा थाने में तोड़फोड़ की गई, शासकीय वाहनों पर तोड़फोड़ की गई। लगातार पुलिस को भीड़ कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गैस छोड़ने पड़े, साथ ही साथ लाठीचार्ज भी करना पड़ा। घंटों मशक्कत के बाद पुलिस ने मामले पर कंट्रोल कर पाया है और लगातार परिजन जो हैं वो इस बात की मांग पर अड़े हुए थे कि जो मृतक के पिता हैं उसे भी अंदर रखा गया था, उसे सामने लाने की बात कर रहे थे। लेकिन पुलिस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि उससे पूछताछ की जा रही है, उसका बयान दर्ज किया जा रहा है, बयान दर्ज करने के बाद सामने लाया जाएगा। लेकिन परिजन और जो गाँव के लोग थे वो लगातार इसी मांग को लेकर अड़े थे और इसी पूरे मामले पर उन्होंने विरोध जताया और तोड़फोड़ की और वहां पर पथराव किया। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सूरज जानकारी को साझा करने के लिए।
और इधर सतना में ट्रेन के सामने कर्मचारियों ने रेल ट्रैक पर लेटकर ट्रैक रोकने की कोशिश की, ट्रेन रोकने की कोशिश की। हालांकि रेलवे पुलिस ने बलपूर्वक इन सभी कर्मचारियों को रेलवे ट्रैक से हटा लिया। पूरा मामला सतना रेलवे स्टेशन में तैनात लोको निरीक्षक जितेंद्र नाथ शुक्ला की मौत से जुड़ा है। लोको निरीक्षक जितेंद्र नाथ शुक्ला की मौत रेलवे ट्रैक को क्रॉस करते समय सामने आ रही ट्रेन की चपेट में आने से हुई, जिसे वो देख नहीं पाया। साथ ही कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि मौत होने के बाद अधिकारी AK श्रीवास्तव मौके से वापस आ गए और लाश को उसी हाल में छोड़ दिया गया। यही वजह थी कि कर्मचारियों ने दोषी अधिकारियों पर FIR करने की मांग को लेकर ट्रेन के सामने आकर प्रदर्शन भी किया। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शिवेंद्र सिंह बघेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, क्या मामला था, क्या अपडेट है, बताइए। देखिए, मैं बता दूं कि लगभग 5 घंटे से हंगामा चल रहा है। जो कर्मचारी हैं, जो रेलवे के 2 यूनियन हैं, दोनों लामबंद होकर एक मंच में आ गए हैं और उन्होंने जो निरीक्षण करने आई टीम थी जबलपुर की, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं और साथ में निलंबन की मांग कर रहे हैं। क्योंकि ये मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचे संज्ञान में आने के बाद फैसला उनको लेना है, तो ऐसे में स्थानीय स्तर पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। तो ऐसे में जिस ट्रेन से परख ट्रेन से वो निरीक्षण करने पहुंचे थे उसको रोकने की कोशिश की, उसको जबलपुर रवाना होने के पहले सभी जो अघोषित कर्मचारी थे वो प्लेटफार्म पर रेलवे ट्रैक पर लेट गए। हालांकि पुलिस ने बल प्रयोग करके उनको हटाया और जो परख एक्सप्रेस ट्रेन थी जिससे निरीक्षण करने आए थे उसको उनको जबलपुर रवाना कर दिया गया है। इस पूरे मामले में आक्रोश है, क्योंकि अभी मृतक का PM नहीं हुआ है तो कल PM होगा, इसके बाद भी दिखने वाली बात होगी कि कल क्या हंगामा होता है। जी, वाकई तो देखने वाली बात होगी कल हंगामा होता है, पर जो आरोप लग रहे हैं अधिकारी पर कि आए मौके पर और ऐसे ही छोड़ गए लाश को, शव को, आखिर इस मामले में कुछ बड़े अधिकारी कुछ कह रहे हैं या कुछ उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया हो कि हाँ कार्रवाई होगी, जांच होगी, या सिर्फ इन लोगों को यहाँ से खदेड़ दिया गया, हटा दिया गया? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सतना से लगभग 50 किलोमीटर दूर मझगमा में जब ये निरीक्षण परख ट्रेन पहुंची थी, वहां पे निरीक्षण कर रहे थे, उसी समय जो सतना के सहयोगी कर्मचारी थे उनको दूसरी ट्रेन ने के चपेट में आ गए, उनकी वो रेलवे ट्रैक पे पड़े रहे, लेकिन जो जांच अधिकारी थे वो किसी तरह से मदद करने के बजाय ट्रेन लेके सतना वापस आ गए। संभवतः कर्मचारियों का आक्रोश इसी बात को है कि जब वो घायल हुए थे, ट्रेन से टकराए थे, तो उनको प्राथमिक उपचार कराते, शायद वो जिंदा होते, ऐसे में मानवता का परिचय देते हुए वो वापस आ जाना कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है और इसी के को लेकर वो FIR की मांग कर रहे हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र। और नरसिंहपुर में एम्बुलेंस में शराब की तस्करी, एम्बुलेंस से लाखों की शराब जब्त की गई है। 400 लीटर अवैध देसी शराब बरामद हुई है। जब्त शराब की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए है। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। करेली पुलिस की यह कार्रवाई देखने को मिली है। नरसिंहपुर में एम्बुलेंस में शराब की तस्करी की जा रही थी, एम्बुलेंस से लाखों की शराब भी अब जब्त कर ली गई है। साथ ही साथ आपको बताएं कि 400 लीटर ये अवैध शराब थी जिसे बरामद किया गया। लगभग इसकी कीमत 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, एम्बुलेंस से शराब की तस्करी का यह मामला सामने आया है, अब क्या कुछ पुलिस कह रही है? जी, ये मामला नरसिंहपुर जिले की करेली थाने के अंतर्गत है। 400 लीटर शराब है अवैध तरीके से गाडावारा से करेली की ओर लाई जा रही थी एम्बुलेंस, लेकिन इससे ये समझा सकता है कैसे जीवन रक्षक वाहनों का उपयोग इन अवैध कामों में किया जा रहा है। और पुलिस ने अपने मुखबिरी के द्वारा सूचना पाकर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। करीब 400 लीटर शराब की जो बाजार की कीमत है 2.5 लाख के करीब बताई जा रही है और ये बड़ा मामला है। लेकिन ये बड़ी बात भी है कि किस तरह से इन वाहनों का प्रयोग करके शराब जो माफिया है अपने माल को अवैध तरीके से खरीद रहे हैं, अवैध तरीके से बेच रहे हैं। ये मामला समझा सकता है कि अब एक एम्बुलेंस में 400 लीटर शराब ढोई जा रही है। हो सकता है कि पहले भी और आगे आने वाले समय में भी ये काम होता रहेगा, क्योंकि जिस तरह से हौसले बुलंद है वो ये साफ बताते हैं कि ये कोई पहली बार काम नहीं हो रहा है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और भोपाल में 1814 करोड़ ड्रग्स मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और सफलता पुलिस को लगी है हाथ। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक जयदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया। जयदीप की गिरफ्तारी भोपाल के JK रोड आवास से हुई है। पुलिस ने उसके फोन को 21 दिन तक सर्विलांस पे भी रखा था। फोन से पुलिस को आरोपी की लोकेशन मिली और अब जाकर के गिरफ्तारी हुई है। मान सकते हैं कई बड़े खुलासे आने वाले समय में होंगे।
इंदौर के सराफा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 95 लाख रुपए की ड्रग के साथ एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। आरोपी से लगभग 990 ग्राम MD ड्रग्स बरामद की गई है। आरोपी राजस्थान के प्रतापगढ़ का है, जो कि राजस्थान से ड्रग लाकर इंदौर में सप्लाई करने की फिराक में था। इंदौर के आसपास के इलाकों में सप्लाई करता था। आरोपी से एक ही नाम के 2 आधार कार्ड भी बरामद हुए। ग्राम के आसपास मेफेड्रोन MD ड्रग हमने उससे बरामद की है। उसके पास एक बिना नंबर प्लेट की गाड़ी थी, उसको भी हमने पूरा खंगाला, क्योंकि इस तरह के ज़्यादातर केस में होता है कि छुपा के रखते हैं कहीं ना कहीं डिग्गी में या टूल बॉक्स में इधर तो। और उसी जब गाड़ी को हमने सर्च किया तो लगभग 1 किलो 70 ग्राम डोडा चूरा भी उसके पास से बरामद हुआ है। और राजधानी भोपाल में बीमा कंपनी की महिला अधिकारी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। महिला अधिकारी का शव वन कमरे में अर्धनग्न अवस्था में मिला। परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताई। मृतका के मुंह से झाग निकला था। मृतका राजगढ़ की रहने वाली बताई जा रही है। उसके आधार कार्ड पर इंदौर का पता था। मृतका का शव फिलहाल परिजनों को दे दिया गया है। मृतका निजी कंपनी में जॉब करती थी और फिलहाल पुलिस को किसी भी तरह का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। जांच पड़ताल इस पूरे मामले में जारी है। देहाती नालची पर से हमने उसमें मर्ग कायम कर लिया है। मृतका का रूम अंदर से बंद था, मृतका के मुंह से झाग निकल रहा था और उल्टी जैसी दिख रही थी। मृतका ICIC लुम्बार्ड एक कंपनी है, उसमें जॉब करती थी। मूलतः राजगढ़ की रहने वाली हैं, लेकिन आधार कार्ड में इंदौर का इनका एड्रेस है। मृतका की बॉडी परिजनों को सुपुर्द कर दी है और वो लेकर के दाह संस्कार के लिए चले गए। बड़ी खबर जबलपुर से, जहां पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने हसनैन अंसारी को लव जिहादी बताते हुए उसकी तस्वीरों के टुकड़े पर पैरों से इन्हें कुचला है। इसके अलावा हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने सद्बुद्धि यज्ञ भी किया। इस यज्ञ के जरिए हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने अंकिता राठौर और की जो है राठौर को सद्बुद्धि देने की कामना की। कार्यकर्ताओं ने अंकिता की तस्वीर रखकर वैदिक मंत्रोच्चार किया, यज्ञ में आहुति दी और अंकिता को लव जिहाद से बचाकर सनातन धर्म में वापस लाने का संकल्प लिया। हिंदू सेवा परिषद ने शहर के प्राचीन गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में सद्बुद्धि यज्ञ किया। आज हिंदू सेवा परिषद के सभी कार्यकर्ता गुप्तेश्वर महादेव मंदिर पहुंच के हमने एक सद्बुद्धि यज्ञ किया हुआ है, जिसका उद्देश्य यह है कि जो हमारी बहन अंकिता राठौर है, जो कि एक षड्यंत्र का शिकार हुई है, क्योंकि यह एक लव जिहाद षड्यंत्र चल रहा है जिसका शिकार हमारी बहन अंकिता राठौर हुई है, जिसके लिए हमने देवाईदेव महादेव जी के मंदिर में पहुंच कर यज्ञ किया हुआ है और भगवान से ऐसी प्रार्थना की है कि उन्हें सद्बुद्धि दें, वो पुनः सनातन धर्म में वापसी हो। उधर इंदौर में भी अंकिता राठौर और हसनैन की शादी को रोकने के लिए इंदौर में सद्बुद्धि यज्ञ हुआ। हिंदू संगठन ने शिव मंदिर में ये यज्ञ करवाया और ये कामना की कि अंकिता राठौर शादी के लिए मना कर दे। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर पोस्टर लिए यज्ञ किया। पोस्टर में कई तरह से स्लोगन भी लिखे थे। लिखा था, जिहादी से बचाना है, अंकिता को घर लाना है, अंकिता के घर वापसी हर हाल में करवाना है, फिर नहीं होने देंगे हिंदू बेटियों के 40 टुकड़े, अंकिता घर लौट आओ, ये जिहादी हैं, अंकिता ये प्रेम नहीं लव जिहाद है। और खबर बिलासपुर से, जहां पर बिलासपुर कोलकाता फ्लाइट में बम की अफवाह से हड़कंप मचा। बम की अफवाह के बाद यात्रियों को आनन फानन में विमान से उतारा गया, जिसके बाद फ्लाइट की जांच कर रवाना किया गया। इसी दौरान यात्रियों में अफरा तफरी मची। खबर मिलते ही बम स्क्वाड के साथ जो है कलेक्टर SP सहित सुरक्षा बल एयरपोर्ट पहुंचे, फ्लाइट की जाँच शुरू की। आपको बता दें कि इन दिनों देश भर में फ्लाइट को उड़ाने की लगातार धमकियां मिल रही हैं। और अब बात गैंगस्टर अमन साहू की, जिसको नामांकन फॉर्म हस्ताक्षर करने की परमिशन CJM कोर्ट ने दे दी है। तेलीबांधा पुलिस को हस्ताक्षर कराने के लिए कहा। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने अमन साहू को झारखंड में फिजिकली उपस्थित होकर नामांकन फॉर्म जमा कराने के आवेदन को खारिज कर दिया था। अमन साहू झारखंड के बड़का गांव से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता है।
नहीं, वो बिलासपुर उच्च न्यायालय में एक याचिका ये प्रस्तुत की गई थी कि इनको नामांकन स्थल के ऊपर व्यक्तिगत तौर के ऊपर उपस्थित रखा जाए, ऐसा आदेश जारी किया जाए कि इनको उपस्थित रखा जाए, रायपुर पुलिस उनको वहाँ उपस्थित करे। उसको न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया और ये कहा कि नहीं, व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित हम नहीं करने का आदेश नहीं करेंगे। तो वो आदेश निश्चित रूप से हमारे विरुद्ध हुआ है, लेकिन आज जो हुआ है कि नॉमिनेशन के ऊपर हस्ताक्षर कराने की उनको अनुमति दी है, तो ये हमारे फेवर में है। दुर्ग में एक बच्चे को दो लोगों ने अपहरण की कोशिश की है। दोनों आरोपी साधु के वेश में थे। खुर्सीपारा थाना इलाके में एक बच्चा सड़क किनारे जा रहा था, तभी दो साधुओं ने उसे बिस्किट देने की कोशिश की, लेकिन बच्चे ने बिस्किट लेने से मना कर दिया, जिसके बाद दोनों ने बच्चे को बोरे में भरने लगे और आसपास के लोगों की नजर इन पर पड़ी। उन्होंने बच्चे को साधुओं के चुंगल से छुड़ाया, तो वहीं पुलिस दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। और अब बात लोगों के गुस्से और मारपीट की। तस्वीरें इंदौर से सामने आई हैं। इंदौर और गुना की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इंदौर में एक युवती ने साथियों से युवक की पिटाई करा दी। युवक की भाभी बीच बचाव करने आई तो उसकी भी पिटाई हो गई। युवक ने मारपीट की शिकायत दर्ज करवाई है। उधर गुना में आरोन कृषि मंडी में किसानों के बीच जमकर मारपीट हुई, साथ ही व्यापारियों पर भी हमला किया गया। बता दें कि ट्रैक्टर लगाने को लेकर किसानों के बीच झगड़ा हुआ था, तो वहीं मंडी में जमकर लात घूंसे चले, लाठी डंडे चले। गल्ला व्यापारियों ने बीच बचाव कर झगड़ा रोका और फिर आरोन थाने में शिकायत दर्ज कराई। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।